गुड आफ्टरनून। इंडियन आर्मी में एनसीसी एंट्री के लिए डिक्लेरेशन आया हुआ है। 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2003 का बीच में फायदा हुआ एंड मैरिड मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकता है। मेल के लिए 50 वैकेंसीज है, उसमें 45 जनरल कैटेगरी के लिए है, 5 वैकेंसीज है बैटलफील्ड कैजुअल्टीज का डिपेंडेंस के लिए है। फीमेल्स के लिए 4 जनरल कैटेगरी है, एक तो बैटलफील्ड कैजुअल्टीज का डिपेंडेंस के लिए है। एलिजिबिलिटी है 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन, एनसीसी सीनियर डिवीजन और विंग्स में 2 to 3 इयर्स का मिनिमम सर्विस चाहिए। उसके बाद एनसीसी का सी सर्टिफिकेट एग्जाम में कम से कम बी ग्रेड लिया हुआ होना चाहिए, लड़ाई में नहीं तो बैटलफील्ड में कोई कैजुअल्टीज हुआ है उसका डिपेंडेंस के लिए ये सारा चीज का जरूरत नहीं है। एट प्रेजेंट ग्रेजुएशन फाइनल एग्जाम अपियर करने वाला भी कर सकता है अगर उसको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 50% से ऊपर मार्क है तो। हर चीज एसएसबी थ्रू ही होता है, तो उसके बाद मेडिकल भी होगा। ये सारा चीज होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट रैंक में अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा। हर चीज मैं इस वीडियो का नीचे दिया जाएगा रेफरेंस और क्राइटेरियास, आपको पूरा डिटेल्स इंडियन आर्मी का वेबसाइट में मिलेगा www.joinindianarmy.nic.in। एप्लीकेशन सबमिट करने का आखिरी डेट है 13 अप्रैल तारीख है, उसे पहले आप लोग अप्लाई करना चाहिए। इवन सैलरी स्ट्रक्चर भी, प्रमोशन क्राइटेरियास भी मैं इस वीडियो का नीचे शॉर्ट में डालेगा, ताकि आपको एकदम बढ़िया सा पिक्चर मिल जाएगा। यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।